चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसमें हम लोगों को लास्ट लाइन में देखिए, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताइए। नहीं, मोल्स नहीं होता इसमें, नंबर ऑफ, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, तो पहले तो वो जाने हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये कैसे निकलते हैं, पहले तो ये जाने। तो ये होता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, एसिड है, तो मैंने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला लिखाया भी था आपको, मॉलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो इसका मॉलिकुलर वेट निकालो पहले तो ऑक्सैलिक एसिड का, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है सी डब्ल्यू एच का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, आप बताओ जल्दी से इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा। जल्दी बताओ, दो हैं तो एक का निकाल करके डबल कर देना। ऑक्सीजन का कितना होता है, इसको जब आप सॉल्व करो 90 कैसे आएगा, पॉज कर दो जरा पहले। चलो फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा था बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है सी डब्ल्यू एच का होल ट्वाइस इंटू टू एच टू। तो हम लोग ने यहाँ सी ओ ओ एच का निकाल रखा है, ये कितना आया हमारे पास 45, और एक एच टू के मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, ये आ गया 63, और दोनों ही डबल है, तो दोनों ही डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 126। तो मॉलिकुलर वेट हो गया 126, और इसकी बेसिसिटी जो होती है वो होती है 2। वैसे तो आपको आना चाहिए क्लास 10 से ये शुरू होता है बेसिसिटी, और क्लास 11th में भी है, नहीं तो मैं अलग लेक्चर में आपको समझा पाऊंगा कि किसी एसिड की बेसिसिटी कैसे निकाली जाती है। तो 126 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 63। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी थी 63 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप लोग लीटर में चेंज करेंगे तो काहे से डिवाइड कर देंगे 1000 से चेंज करें, तब अब ये लीटर में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए नॉर्मेलिटी आ जाएगी, पॉज कर दिए। अब ये किसी ने पूछा मुझसे कि सर बेसिसिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपने कैसा निकाला, तो बच्चों आपको इसका ना ये कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो आना होगा। आंसर बता दे रहा हूँ इसका मैं, 0.1 आ रहा है इसका आंसर। आया आप लोगों का कि नहीं आया 0.? अच्छा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अभी, क्या मिस्टेक हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। चलो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी का सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे सवाल में दिया हुआ है, ये रहा, बस इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी तो ओके है। ऊपर वाली क्वांटिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपके क्वेश्चन में 0.63 ग्राम दिया है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है वो और मैं आपको बता देता हूं। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन, अब एसिड है ना हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, जिसका मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है यहां पर, अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये होता है। तो मॉलिकुलर वेट जब आप निकालोगे तो ऑक्सैलिक एसिड का ये फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो जब इसका आप मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो वो निकल करके आएगा 126, इस पूरे का 126, और इसकी बेसिसिटी होती है 2। तो बेसिसिटी 2 कैसे होती है वो मैं बता दे रहा हूं। आप किसी भी एसिड की बेसिसिटी तभी निकाल पाओगे जब आप उसका ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर बनाना जानते हो। अब आप मुझे देख करके बताओ कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, बताओ भाई। लीजा तुम ही ने सवाल पूछा था ना शायद, ये
अच्छा मीटिंग में आयशा और रिदा है, लीजा है नहीं। चलिए रिदा आप बताइए कितने हाइड्रोजन ऐसे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? टू हैं। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं वही वाटर में डिजोल्व होने पर एच प्लस आयन में कन्वर्ट होते हैं, यानी यहां से केवल ये दो हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात इतनी? तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? टू हो गई। लेकिन फिर एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे CH3COOH है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो ऐसे बनता है, ये है इसका स्ट्रक्चर, कुछ गड़बड़ बन गया, चलो CH3, अच्छा एक CE मिस हो गया, ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है CH3COOH। अब आप देखो इसमें कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं? एक है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी जो होती है वो वन होती है। जनरली लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि जितने हाइड्रोजन उतनी उसकी बेसिसिटी, ऐसा नहीं है। यहां पर देखो चार हाइड्रोजन है तो कुछ लोग सोचते हैं चार इसकी बेसिसिटी होगी, नहीं होगी। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही केवल एच प्लस आयंस में रिलीज होता है जाकर के। क्लियर हो गया? पता होना चाहिए, तुम 12th में पढ़ते हो, तुम्हें स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, बिल्कुल कॉमन, जैसे H2SO4, ये सब याद होने चाहिए। ये सब नहीं याद है इसका मतलब तुम लापरवाही कर रहे हो, ये तो पता ही होना चाहिए। वो बना के दे दे तो अलग बात है, वरना नहीं। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो मॉलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड किया तो ये वैल्यू आ गई 63 काहे की वैल्यू आ गई? इक्विवेलेंट मास की। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए भाई? मास ऑफ सॉल्यूट 0.63 अपॉन इक्विवेलेंट मास यानी कि 63। ये आ गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी थी ना ये आ गई। इधर देखते रहो अभी, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 0.63 डिवाइडेड बाई 63 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम 100 cm³ दिया है, इसको लीटर में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। अब जो आएगा वो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। पॉज कर दीजिए, चलिए नोट करते रहिएगा बच्चों, पहले समझ लेते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन क्या है? देखो मैंने यहाँ दो डायग्राम बनाए, नीचे कोई लिक्विड मैंने भरा हुआ है, ऊपर कोई और लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी मान लीजिए कुछ है। अभी दोनों अलग अलग हैं यानी सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में देखो ये इसमें मिक्स हो गया है, ये सॉल्यूट था ये सॉल्वेंट था, इसमें मिक्स हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो आप दोनों के अलग अलग मोल निकाल लीजिए, दोनों के अलग अलग मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इसका निकाल लीजिए और वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट सॉल्वेंट का निकाल लीजिए। उतना डेटा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? ये बी माना ये ए माना, मान लेते हैं कि जो ए के मोल हैं वो एन ए हैं और जो बी के मोल हैं वो एन बी हैं। मोल फ्रैक्शन को एक ऐसे लेटर से करते हैं लंबा सा एक्स टाइप का, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। स्पेलिंग होती है CHI लेकिन बोलते हैं इसको काई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा एन ए अपॉन ए के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, और टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन में ए और बी के मोल प्लस हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और मान लेते हैं इसमें एक और तीसरा एक और सॉल्यूट मिला दिया गया है, ये रेड कलर का है, ये इसमें आके मिल गया, मान लेते हैं ये सी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू, अब जब सी हो गए तो यहां पर भी टोटल मोल्स आने हैं तो यहां पर भी एन सी बढ़ जाएगा और यहां पर भी एन सी बढ़ जाएगा। ये एन ए एन बी एन सी सब मोल हैं, जब हम सम कर दे रहे हैं तीनों को तो टोटल मोल हो जा रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है कि जिस कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर सी की बात करें तो ऊपर सी के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। आप एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं इन सारे मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? वन। ऐड करके देखो, मैं ऐड करता हूं, यहां देखो मैं ऐड करता हूं, जरा ध्यान से देखना, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी अपॉन
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। आप देखो तीनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी रहेगा, और ऊपर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ऊपर का एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और नीचे का एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कैंसिल होगी, क्या आएगा वन। तो इसलिए सारे मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये बहुत काम आएगा अभी आपके, इसको शॉर्ट में हम लोग अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू वन। अब डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट मतलब ए बी सी में से कोई भी हो सकता है, इन ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, यानी अगर ए की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द रेशियो किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन, पॉज कर दो, नोट कर लो। चलिए बच्चों मेरे साथ देखिए, आपने आधा कर लिया होगा, बाकी मेरे साथ देखिए जल्दी से। ए सॉल्यूशन कंटेन 25% H2O, 25% C2H5OH एंड 50% SDHC बाय मास। इसका मतलब ये हो गया 25% H2O बाय मास का मतलब ये हो गया कि 25 ग्राम H2O इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 25 ग्राम C2H5OH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन एंड 50 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH फॉर्मूले याद होने चाहिए इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मॉलिकुलर वेट ये लिखा हुआ है और इनका अपना वेट ये लिखा हुआ है। आपको अगर मोल्स निकालने हैं तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर H2O के निकालने हैं तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट कितना है 25 और मॉलिकुलर वेट कितना है 80। इसी तरह से C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसका वेट कितना है 25 और मॉलिकुलर वेट कितना है 46। और एसिटिक एसिड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वेट है 50 ग्राम्स और इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 60। अब मोल फ्रैक्शन हमें हर कंपोनेंट के निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ मोल निकाला है, मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला है, कंफ्यूज मत होना। काई ऑफ H2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बराबर क्या हो जाएगा, एन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई एन ऑफ H2O प्लस एन ऑफ C2H5OH प्लस एन ऑफ एसिटिक एसिड। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये, रिधा आयशा, रिधा आपको, और यही पूरा इसके नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह आप काई ऑफ CH3COOH निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ये पूरा जो इसके अपॉन में, सॉल्व कर लीजिएगा मोल। सर पहला वाला सर 0.5 है, आंसर सबके मैं बता दे रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो आ रहा है 0.503 और मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल जो है 0.196 आ रहा है, 0.2 भी चल जाएगा इथेनॉल का, और एसिटिक एसिड का 0.3। एसिटिक एसिड का जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 0.305। ये आंसर आपके आने चाहिए, ठीक है। कितने डिजिट तक लिखेंगे, डेसिमल के दो प्लेस तक काफी है, कोई दिक्कत पॉसिबल। हम लोग ने तीन तरह के मतलब पढ़े, तो शुरू में अगर आप याद होगा तो सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हम लोग ने पढ़े थे, उसमें तीन तरह के सॉल्यूशन ये थे कि सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर को हमने वाटर में मिला दिया, लिक्विड इन लिक्विड जैसे हमने किसी अल्कोहल को वाटर में मिला दिया, और गैस इन लिक्विड जैसे ऑक्सीजन को हम लोग ने वाटर में मिला दिया, जैसे कि समंदर में होता है, पानी में होता है, नदी में होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, तभी वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ जो मछलियाँ वगैरह जो है वो जिंदा रह पाती हैं, क्योंकि हर जिंदा रहने वाली कोई भी चीज़ है उसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी में ऑक्सीजन खत्म कर दोगे तो पूरे एक्वेटिक लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग अब आए हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में, ठीक है। अब बहुत डिटेलिंग तो अभी हमने किसी की नहीं पढ़ी कि सॉलिड इन लिक्विड में, लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है। गैसेज इन लिक्विड से रिलेटेड एक लॉ है, हेनरी लॉ, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं।
तो पहले तो समझ लेते हैं मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं कि गैसेस जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व अगर हो रही हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ डिस्कशन, और एक हेनरी लॉ इसके ऊपर है। और जो लॉ है वो हम सब लोग अपनी जिंदगी में यूज करते रहते हैं, बट मिस्टर हेनरी ने उसका लॉ बना दिया, तो उन किताबों में आप देखते हैं क्या है। देखो किसी भी, ये लिक्विड है, कोई यहाँ कोई लिक्विड है और यहाँ पर गैस है, ये गैस है। जब तुम इस पर प्रेशर लगाओगे गैस पर, तभी तो ये लिक्विड में जाएगी। तुम बताओ बिना प्रेशर के कोई गैस जो है वो लिक्विड में कैसे चलेगी? नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं। गैस नीचे तो आने ही नहीं चाहती पहले, समझ गए? तो प्रेशर लगाना पड़ता है। अच्छा, जितना प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा अच्छे से ये गैस इसमें डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? क्यों भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, होगी डिसॉल्व? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का इसके अंदर जो सॉल्यूशन बन रहा है अच्छे से मिक्सिंग होगी, अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। ओनली कब? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके ऊपर एक लॉ दिया उन्होंने कि मास ऑफ ये जो गैस है, इसका मास, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली, अभी कोई लोड ना करे, अभी कोई लोड नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाई, जो प्रेशर हमने अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे? मोल्स से। भाई जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोल भी होगा, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वो वेट यही मास ही तो है। अच्छा, जितनी ज्यादा इसके अंदर गैस आएगी मोल्स उतने ज्यादा होंगे कि नहीं? तो मास ज्यादा तो मोल ज्यादा, तो मैं यहाँ पर इसको हटा के लिखता हूँ कि मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाई, सही है? Yes, sir. और अगर मोल्स ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा उस गैस का। अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन के मोल ज्यादा है तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन का? फॉर्मूला है एन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एन ऑफ ऑक्सीजन प्लस एन ऑफ एच टू, अगर यहाँ पे एच टू ले रहे हैं तो ये जितना ज्यादा होगा ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, समझ गए? तो जितने ज्यादा उसके मोल्स होंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। पहले यहां तक बताओ, किसी को दिक्कत होगी जल्दी बोलो भाई। भाई जितने ज्यादा मास होंगे उतने ज्यादा मोल्स होंगे, कोई भी गैस जितनी ज्यादा लोगे उसमें मोल्स उसके उतने ही बढ़ जाएंगे, ठीक है? अरे सिंपल सी बात है, ढेर सारा मास लगेगा तो मोल्स नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऊपर वाली क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो वो मोल बढ़ नहीं जाएगा, नहीं समझे? ठीक है, और मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। तो कुल बात यहां पर आ गई कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, ठीक है? थोड़ा सा यहां लिखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, सही है? इतना पहले नोट कर दो। यहां मैंने हेनरी लिख दिया कि मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो मास जो है वो डिसॉल्व्ड गैस का प्रेशर अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास की जगह मोल कर सकते हैं, मोल की जगह मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आगे कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी या प्रेशर अप्लाइड। अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, जिसको क्या कहेंगे इस कॉन्स्टेंट को? अभी नहीं कहेंगे, थोड़ा रुक जा। यहाँ से P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/KH। अब ये जो 1/K है इसको फिर हमने लिख दिया KH, ठीक है? ये मोल फ्रैक्शन वाला एक्स है बच्चों, बड़ा सा एक्स बना लो इसको। ये है हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक है?
सुन लो पहले, इसके एप्लीकेशन है दो तीन, आज एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ, बाकी अगले टाइम में करेंगे। इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि तुम सब लोगों ने वो एप्लीकेशन देखा। हेनरी लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा अच्छा मिक्सिंग ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक। आप कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन होता है, अच्छा वो इतना टाइटली क्यों बंद किया जाता है, उसकी वजह आप हाथ से खोल नहीं सकते उसको, ओपनर से खोलना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, तो उसका भी रीज़न है। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। तो उसको हाई प्रेशर के साथ अंदर किया जाता है, और इतने प्रेशर के साथ किया जाता है तुरंत बाहर होना चाहते हैं। वो ढक्कन अगर टाइटली बंद नहीं होगा ना तो बाहर आ जाएगी, तो साइड से लीक करने लगेगी। आपने देखा होगा जैसे ढक्कन खुलता है कोल्ड ड्रिंक चढ़ने लगती है ऊपर, क्योंकि वो CO2 गैस निकलने की कोशिश करती है, और वो अपने साथ साथ जो है लिक्विड को भी लेके, इतना सोचो उसके पास फोर्स है कि अपने साथ साथ लिक्विड को भी ले जाने लगे। CO2 गैस ही क्यों मिलाई जाती है? CO2 गैस पर थोड़ा चिलिंग इफेक्ट होता है, जबान को गले को बड़ी ठंडक पहुंचाती है, और वो इंसान को कोल्ड ड्रिंक में पसंद भी आता है। हो सकता है और भी गैसेज ऐसी हो जो ऐसा काम करती हो, बट CO2 हमें सस्ते में अवेलेबल थी। तो CO2 को प्रेशर देकर के उसके अंदर भरा जाता है, हेनरी लॉ फॉलो। अच्छी मिक्सिंग तभी होती है। और आपसे जो ढक्कन ढीला होता है, कभी कभी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो रेस्टोरेंट वगैरह में और आपका तो ये कोल्ड ड्रिंक फिज नहीं है, बेकार है, तो उसका रीजन क्या हो गया होता है कि या तो उसमें CO2 प्रेशर से नहीं भरी गई और या उसका ढक्कन ढीला था, वो CO2 धीरे धीरे। तो ये पहला एप्लीकेशन ये है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या सोडा बॉटल्स, उसमें CO2 भरी जाता है। बाकी दो एप्लीकेशन हमारे हैं दूसरे, चलो मैं बता दे रहा हूँ, तुम अगले टाइम पर पढ़ के आना। दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइविंग में यूज होता है, और तीसरा एप्लीकेशन जब हम लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं तो यूज होता है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर पे इतना ही रहता है।